लखनऊ वर्सेस राजस्थान रॉयल क्या मैच है यार। लखनऊ सुपर जायंट जो पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 196 रन बनाया था, हाँ, 5 विकेट खोकर, और वो रन मानो एक ओवर रहते हुए राजस्थान रॉयल्स ने हासिल कर लिया। मानो ये जो मैच आसानी से जीत लिया राजस्थान रॉयल्स। हाँ, और ये जो जीत राजस्थान रॉयल्स के, इस जीत के सबसे बड़ा जो दावेदार कृतित्व तो, वो है उनका कप्तान संजू सैमसन और धूप जोयल की। हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ। संजू सैमसन जो एक विस्फोटक पारी खेलकर मानो बीसीसीआई को एक मैसेज दे दिया कि आप मुझे T20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाए, आप लोग मुझे खिलाए, मैं आपको दिलासा देता हूँ कि मैं T20 वर्ल्ड कप जिताने के प्रयास करेंगे। हाँ, मेरा जो सब कुछ मैं दाव पर लगा देंगे। हाँ, और यही हुआ है, संजू सैमसन ने किया कमाल की पारी खेला है, बहुत अच्छा खेला है संजू सैमसन। हाँ, और ध्रुव जुरेल भी आज वो जो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए डेब्यू हुआ और अच्छा खासा खेला, वही मैसेज दिया है कि ध्रुव जुरेल भी कहा गुरु मैं भी खेल सकता हूँ, और 34 गेंद पर 52 रन बनाए उन्होंने भी, ध्रुव जुरेल ने भी बहुत बढ़िया खेला है। हाँ, ध्रुव जुरेल ने भी बहुत बढ़िया खेला है। लखनऊ सुपर जायंट जो पहले बैटिंग करते हुए शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ था। हाँ, डीकॉक आउट हो गया था 8 रन बनाकर, फिर टॉयनिस मानो 0 रन पर आउट हो गया, राहुल मानो दीपक हुडा को लेकर खेल रहा था और जो पार्टनरशिप बिल्ड किया, राहुल 76 रन बनाया 48 गेंद पर, तो फिर 158 का स्ट्राइक रेट है, और दीपक हुडा, हाँ, बाद में दीपक हुडा मिडिल ऑर्डर में अच्छा खासा खेला है, दीपक हुडा 31 गेंद पर 50 रन बनाया, एक अच्छा इनिंग्स खेला है, और फिर मानो कुणाल पांडा और आयुष बदानी थोड़ा योगदान किया अंत में, और इसके चलते हुए 196 रन बना पाया लखनऊ सुपर जायंट। फिर राजस्थान रॉयल्स जब बैटिंग करते आया तो लग रहा था एक टाइम कि ये रन चेस कर सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट बहुत बार 160 रन डिफेंस किया है, और शुरुआत में जस्सी जसवाल जॉर्ज बटलर ने अच्छा खेल रहा था, लेकिन जस्सी जसवाल बैड लक आउट हो गया स्टॉइनिस की गेंद पर, और जॉर्ज बटलर बोल्ड हो गया था 34 रन बनाकर, और उसके बाद संजू सैमसन क्या खेला है ध्रुव जुरेल को साथ लेकर। हाँ, इससे पहले रियान पराग 14 रन बनाकर आउट हो गया था, फिर ध्रुव जुरेल आया और संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल ने मैच फिनिश किया। संजू सैमसन 71 रन बनाया 215 का स्ट्राइक रेट, ध्रुव जुरेल 52 रन बनाया और आसानी से मैच जीता दिया राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स इस जीत के साथ साथ मानो पॉइंट टेबल में अब नंबर 1 पोजीशन पर है, 9 मैच खेलकर 16 पॉइंट, वो जो प्ले ऑफ लगभग निश्चित है, क्योंकि 16 पॉइंट चाहिए प्ले ऑफ के लिए, तो अभी भी 5 मैच है राजस्थान रॉयल्स के हाथ में, तो एक मैच अगर जीतेंगे तो वो जो क्यू लग जाएंगे, लेकिन अभी भी मानो क्वालिफाइड निश्चित लगभग 90% हो चुका है, फिर भी एक मैच जीतेंगे तो क्यू लग जाएंगे। हाँ, और मेरा मानना है कि अगर राजस्थान रॉयल्स थोड़ा अच्छा खेलेंगे बाकी मैच तो पॉइंट टेबल में नंबर वन ही रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोलकाता और ये जो राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीम ही 1 और 2 पर रहेंगे। हाँ, राजस्थान रॉयल्स अगर 1 में रहेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स 2 पर रहेंगे, 3 नंबर पर कोई भी टीम आ सकता है, बहुत सारी टीम है, 4 नंबर पर चेन्नई वगैरह कुछ आ सकता है, तो ये बाद में देखा जाएंगे, लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन वर्सेस केएल राहुल था। हाँ, केएल राहुल भी विकेट कीपर है, संजू सैमसन भी विकेट कीपर है। केएल राहुल पहला हाफ में उनका काम कर दिया था, लेकिन दूसरा हाफ में संजू सैमसन वही काम और भी बेटर किया है, तो संजू सैमसन तो मैसेज तो दे दिया है। अभी बीसीसीआई जो केएल राहुल को पहले संजू सैमसन से भी ज़्यादा मौका देना चाहता है, तो वो जो फर्स्ट और सेकंड विकेट कीपर वो ऋषभ पंत और केएल राहुल ही होंगे। हाँ, तीसरा नाम संजू सैमसन है, तो क्या संजू सैमसन ये दोनों को बीट करते हुए टीम में प्रवेश करेंगे, या मानो इन तीनों को मौका दिया जाएंगे तो बाद में देखा जाएंगे, लेकिन आप लोगों का राय क्या है, क्या संजू सैमसन को इंडियन टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए लेना चाहिए, आप कमेंट करके बताओ, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए बताओ, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।